हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और संडे मींस फन डे, बट जो हम मॉमीज होती है हमारे लिए संडे इज नॉट अ फन डे, बिकॉज स्कूल से छुट्टी है तो आपको अपने घर की थोड़ी सी मेंटेनेंस करनी पड़ती है और खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है। तो आज सेल्फ केयर प्लस घर की सफाई करेंगे, डीप क्लीनिंग जिसको आप बोल सकते हैं, ताकि आपके पूरे हफ्ते के लिए घर जो है साफ रहे और आपको थोड़ी बहुत डस्टिंग एंड ऑल करनी पड़े। संडे और सैटरडेज को आप डीप क्लीनिंग कर सकते हैं, क्योंकि आज बच्चा भी फ्री होता है और आप भी फ्री होते हो। खाना वगैरह मैंने सुबह बना दिया था, ब्रेकफास्ट मैंने कर दिया था और आज मेरे घर मेरी कजन्स भी आई हुई हैं। स्किन केयर करेंगे और बॉडी केयर करेंगे, मतलब स्टार्टिंग करूँगी मैं अपने बालों से। मेरे बाल पूरे दिन में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं जब आप स्कूल के लिए जाते हो और आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो मैंने सोचा है आज मैं करूँगी ऑयलिंग बालों में और उसके साथ साथ सफाई भी करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद माय हेयर ऑयलिंग। अभी मेरे पास फ़िलहाल यही तेल है जो रैंडमली यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ आप बहुत सारे ऑयल्स यूज़ कर सकते हो और हेयर मास्क भी यूज़ कर सकते हो। अभी मुझे ना ज़रूरत फील नहीं हो रही है, तो बस आज मैं सिर्फ ऑयलिंग करूँगी। तो चलिए जी ऑयलिंग करते हैं। आई एम डन विद माई चम्पी और अब देखते हैं जी, अब तारू की भी करती हूँ, फिर दोनों माँ बेटे नहाएंगे सारा काम करने के बाद। और फेस पैक क्या मैं यूज़ करती हूँ आपके साथ भी शेयर करूँगी, अभी तो नहीं, अभी पहले मैंने यही वाला काम किया है अपना। आने क्या बनाया है माशी? वाह, ओ ये घर सच में इसने खुद बनाया। आ जाओ यहाँ दिखाओ सबको। और ये है मेरा दूसरा बच्चा और ये देखो इसने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। शाबाश बेटा। जाए ये शाय बच्चा। हाँ मामा, जाओ खेलने जाओ दोनों। तो जी हमारा तो हो गया, हम नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। तो फिर इसके बाद मैं ना अपनी सफाई में शुरू हो गई और बालकनी में बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, तो इस पे ना पोछा मारना पड़ा मुझे, क्योंकि जब बारिश हो जाती है तो जो शिमला में रहते हैं उनको पता है कि कितना ज़्यादा गंद हो जाता है दो मिनट में ही। और ये देखिए जी आज का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, थोड़े थोड़े क्लाउड्स थे, काफ़ी धूप नहीं थी, तो मैंने कहा चलो अपना काम करते हैं। और वो करने के बाद फिर मैं अपनी वार्डरोब सेट करने लग गई। तो मैं ना पर्सनली क्या करती हूँ, संडेज को अपने सारे कपड़े आयन करके रखती हूँ और फिर यहाँ पर टांग देती हूँ, ताकि मेरे को नेक्स्ट वीकेंड मतलब वीकडेज पे मेरे को चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। और ये जो ये मेरे कैमरे के पीछे वाला इंसान है ना, मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। टांग से हाँ गुड साबू। तो मेरे साथ साथ ना पीछे दो हेल्पर्स भी लगे हुए हैं और ये काफ़ी अच्छी सफाई करती है। ये देखिए जी, एक गाइड कर रहा है और दूसरा सफाई कर रहा है। काफ़ी अच्छा दिन था क्योंकि अवतारों को भी खेलने को कोई साथ में मिल गया। वैसे मेरे घर में टैलेंट की कोई कमी नहीं, ये देखिए व्लॉग बना रहे हैं ये कि फैशन शो कर रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा। तो फिर जब एक ने कर दिया तो फिर ये भी कैसे चुप रह सकते थे, अब इन्होंने भी कुछ ना कुछ अपना टैलेंट दिखाना ही था, है ना। तो फन शन विद फ्रेंड्स, सॉरी सिस्टर्स। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर इसके बाद यार देखो मेरा तो पूरा दिन इसी में निकल गया और मैंने कहा तुम लोग करो अपना,
मेरे पास तो आज का दिन ही है तो मैं काम भी करती रहती हूँ। और हाँ, मेरे पास कैमरामैन मिल गए थे। तो देखिए जी, अब दो बच्चे नाच रहे थे तो ये तीसरी के पास भी, ये कहाँ रुक सकती थी, तो इसने भी शुरू कर दिया। इनके साथ ही भी बच्ची है। मेरा नाम तारू है। ये मेरी दीदी है। ये मेरी दीदी है। बोलो बोलो, मेरी दीदी है। आ तू इसको पकड़, ऊपर है, आगे ऊपर है, आगे नीचे आ रहा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? आगे ऊपर है बेटा, आ जा आ जा। और ये देखो मोबाइल की दुनिया, बच्चा गिर गया है, माँ पीछे वीडियो बना रही है और मासी उसको चुप करा रही है। भाई वीडियो बनाना जरूरी है, बच्चा बेशक रोए। तो जी फेस पैक मेकओवर भी हो रहा है साथ में, ये तब तक ड्राई होता है तब तक मैं अपना बाकी का काम कर लेती हूँ। हाँ जी क्या बोबो? अब आ गया है मेरी छोटी सी मासी का जाने का टाइम। मासी आप यहीं नहीं रुकोगे, इधर देखो, इधर देखो मासी, यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ मासी भैया के पास। इसका मूड अच्छा नहीं। बाय यार, बाय बाय, अपना ध्यान रखना एंड मिस यू सो मच। तूने भी कल जाना होगा चंडीगढ़, है ना? ऊपर से आना कि नीचे होगे? ठीक है, मैं इधर से निकालूंगी, सीढ़ी से जाओ। बाय 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 माची, बाय माची, बाय। जाओ